top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही थी, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोग इसमें जो है कार्य करते थे? बेसिकली ये दादरी थाना क्षेत्र में, नया आबादी क्षेत्र में बादशाह नगर जगह है, वहाँ से ये फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, सरफराज और चांद। सरफराज को अरेस्ट किया गया है, चांद मौके से फरार हो गया, चांद की पीछे हमारी टीम लगी हुई और वहीं से रह के अपने जो तमंचे की फैक्ट्री है उसको चला। अब तक कितने तमंचे बना चुके हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई किया करते थे? लोकली ये काफ़ी लोकल एरिया में काफ़ी सप्लाई करते थे। इनके पास से हमें 6 तमंचे और पूरा जो इनका औजार रहते हैं, जो मशीनें रहती हैं जिसके माध्यम से बनाते थे, जो नालियाँ रहती हैं और टूटे हुए पुर्जे रहते हैं, मशीनें रहती हैं, वो सब बरामद करी गई है। सर, बादशाह नगर में बीते दिनों जो है दरोगा अख्तर की गोली मारकर हत्या की गई थी, क्या ये लोग उस हत्या में इन्वॉल्व थे या ये हथियार उन आरोपियों को सप्लाई किया था इन्होंने? नहीं, उस मैटर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, उससे यह नहीं जुड़ा। कई दिनों चला रहा था सर ये, काफ़ी कुछ टाइम से चल रहा था, पिछले कुछ टाइम में जैसे ही हमें सूचना मिली। कितने रुपये में बेचा कर रहे थे सर? इनकी जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता था ये, इनका एक्चुअली कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, ये बनाते थे और ये देखते थे कि जो सामने वाला इनका कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, तो इनके कोई फिक्स रेट्स नहीं था, ये बनाते थे और उन सबको सप्लाई करते। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? लोकली जितना भी एरिया है जहाँ से इनको डिमांड मिलती थी लोकली वहाँ सप्लाई करते। तक कितने हथियार बनाए थे? अभी इनसे वेरीफाई कराया जा रहा है, वो डिटेल और बताई गई। ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए इस काम को जो है। कहाँ बेचते थे सर? पता नहीं, ये मुझे मालूम नहीं साहब। कितने लोग थे तुम्हारे गैंग में शामिल? एक तो चांद था, चांद दीन मोहम्मद उसके वाली साहब का नाम है और मेरी मम्मी का नाम है वो सम्मो। तुम्हें कितने रुपए मिलते थे इसके? 300-400 रुपये देते थे बस, 500 रुपये लास्ट चाहिए, वो भी 500 रुपये उसके जो ज़्यादा दूर। कहाँ से कहाँ लेके जाते थे? कपड़े पे लेकर के मुझे पता भी ना था ये क्या चीज़ है, मुझे ये मालूम ना था ये चीज़ क्या है, क्या लेके जा रहा हूँ मैं। तो 500 रुपये की लालच में ईद आ रही थी, मेरी बीवी की डिलीवरी हुई है, लड़की हुई थी, इसलिए मैं तैयार हो गया। मन की ठीक है भाई, ला मैं जा रहा हूँ प्रेगनेंट, मेरी भी लाइफ में तो रमज़ानों का महीना है। चलो ठीक, उसके बाद चांद देता था मुझे, चांद मुझसे बोला कि कपड़े बैठ गए वहाँ, वो खड़ा हुआ है सब उसके लिए वापस जा। ये कहाँ फैक्ट्री थी ये पता नहीं, मुझे मुझे मालूम नहीं कहाँ से उठा सकते। तुम्हें कहाँ से मिलता था? अच्छा, मुझे वो ला के देता था जी, चांद कहाँ देता वैसे ऊपर से बंद है ना जी, मतलब वैसे दे देता था वो आके मेरे घर पे, कभी घर पे लाके उठाता था या वैसे। देख तो लो जी, सुनो एक सेकंड।